नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग कैनन पिक्समा इंकजेट G2010 प्रिंटर की। देख लेते हैं पहले अराउंड द बॉक्स क्या क्या चीज़ें दी गई हुई हैं इस बॉक्स पे। ये इसका फ्रंट पैनल है, अगर यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर मॉडल नेम पिक्समा इंक एफिशिएंट G2010। यहाँ पर इसकी पेज रेंडरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लाइक ब्लैक इंक से 6000 पेजेस हम रेंडर कर सकते हैं एंड कलरिंग से 7000 पेजेस। इसके टॉप पैनल पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो टॉप पैनल पर आप देख सकते हो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, लाइक आपको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ नहीं करना है, बेसिकली डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर विंडोज़ सपोर्टिंग विंडोज़ इसमें दिया हुआ है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7। मैकनीटॉश में ये सपोर्ट नहीं करेगा प्रिंटर। देन उसके बाद यहाँ पर जो इंक टैंक दिए हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इधर की पैनल पर सेम वही मॉडल नंबर एंड अदर डिटेल्स। साइड पैनल पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है इसके बारकोड, सीरियल नंबर्स, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ दी हुई है इसकी MRP। MRP है 12,595। ये प्रिंटर पड़ा है मुझे 11,700 का। इसके लेफ़्ट पैनल पे अगर हम बात करें तो लेफ़्ट पैनल पर क्या इसके बॉक्स के साथ में आता है वो यहाँ दिया हुआ है। प्रिंटर, पावर कॉर्ड, कार्ट्रिज, इंक बॉटल, CD-ROM, यूज़र मैनुअल और USB केबल। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस प्रिंटर को अनबॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। दोस्तों ओपन करते हैं बॉक्स को। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है किस तरीके से इसे हैंडल करने का है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ये USB केबल, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज़ USB केबल। यहाँ आपको मिल जाता है ये पावर कॉर्ड, 2-पिन पावर कॉर्ड है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ दी हुई है इंक बॉटल, ब्लैक इंक, कैन येलो एंड मैजेंटा। यहाँ आपको दिया गया है इस प्रिंटर का हेड, कार्ट्रिज बोलते हैं जिसे, दो कार्ट्रिज दिए हैं, कलर एंड ब्लैक कार्ट्रिज। इसको करते हैं साइड में, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रिंटर का यूज़र मैनुअल दिया हुआ है जिसकी सहायता से आप इस प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ एक CD दी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन, और यहाँ वारंटी कार्ड एंड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ रखा हुआ है प्रिंटर आपके लिए, इसको हम निकालते हैं बाहर। इसके प्लास्टिक रैप्स इसे हटा लेते हैं हम, देन आपको एक वॉक अराउंड दिखाते हैं। दोस्तों ये प्रिंटर दिखता है कुछ इस तरीके का। ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ फॉर ब्लैक इंक, यहाँ पर आपके कलर इंक जो हैं वो जाएंगे। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ एक डिस्प्ले छोटा, देन दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ज़ेरॉक्स। साइड पैनल देखेंगे तो साइड पैनल कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर इसके हम बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल दिखता है कुछ इस तरीके का, एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड पैनल। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ स्कैनर एंड कॉपियर। देन इसको उठा करके अगर हम देखें तो यहाँ पर, यहाँ ये टेप लगे हुए हैं, इसको पहले हम निकालते हैं यहाँ से। इसको अगर हम उठा करके देखें तो ये आपका यहाँ पर लग जाता है कार्ट्रिज, यहाँ से आप इंक रिफिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस प्रिंटर की इंस्टॉलेशन और देखेंगे कि ये प्रिंटर किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।